हेरिटेज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल दुर्ग के परिसर में नवरात्रि के पावन अवसर पर पूर्व प्राथमिक विभाग और प्राथमिक विभाग के बच्चों के लिए मॉम्स एंड किड्स के अंतर्गत गरबे व डांडिया का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों व उनके पालकों ने उत्साह पूर्वक हिस्सा लेकर अपनी भक्ति शक्ति जागरण एवं सांस्कृतिक कला का परिचय दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ शाला के संयुक्त सचिव उमाकांत मिश्रा और पुष्पा मिश्रा व प्राचार्य श्रीमती मनप्रीत फुलमाली के द्वारा देवी माँ का पूजन अर्चन कर आरती कर किया गया। उन्होंने कहा कि ये पर्व हमें और आने वाली पीढ़ी को भारतीय संस्कृति से जोड़कर रखता है, जिससे संस्कृति की जड़ें मजबूत बनी रहती है। हेरिटेज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल दुर्ग में नवरात्रि के पावन अवसर पर पूर्व प्राथमिक विभाग और प्राथमिक विभाग के बच्चों के लिए मॉम्स एंड किड्स का भव्य आयोजन किया गया। इसके तहत गरबा व डांडिया नृत्य का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों व उनके पालकों ने उत्साह पूर्वक हिस्सा भी लिया और अपनी भक्ति शक्ति को उजागर किया। कार्यक्रम का शुभारंभ शाला के संयुक्त सचिव उमाकांत मिश्रा और पुष्पा मिश्रा व प्राचार्य मनप्रीत फुलमाली के द्वारा देवी माँ को पुष्प अर्जित कर पूजन कर आरती से किया गया। उन्होंने कहा ये पर्व हमें और आने वाली पीढ़ी को भारतीय संस्कृति से जोड़कर रखता है, जिसे संस्कृति की जड़ें मजबूत बनी रहती है। इस दौरान मॉम्स एंड किड्स के कार्यक्रम में बच्चों ने और पालकों ने मनमोहक प्रस्तुति डांडिये की दी। इस मौके पर शाला के एकेडमिक डायरेक्टर दीप्ति तिवारी और डायरेक्टर ऑपरेशंस मनीष तिवारी और साथ ही निदेशक ब्रिजमोहन उपाध्याय ने बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक मानकर मनाए जाने वाले नवरात्र पर्व और दशहरा की शुभकामनाएं भी दी। आयोजन लेकर स्कूल प्रबंधन के द्वारा इस तरह की जानकारी दी गई। उपलक्ष्य में सभी पेरेंट्स और टीचर और पूरा हेरिटेज फैमिली जो है एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं, जिससे क्या है कि माता रानी जो है माता रानी की कृपा पूरे हेरिटेज फैमिली पर हो और हमारे जो बच्चे खास करके इनके संस्कार जो पढ़ रहे हैं उससे ये है कि बच्चों का जो है अपना वैसा भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी उनका डेवलपमेंट जो है दिखता है और साथ साथ उसमें उनका पढ़ाई का जितना पेरेंट्स एसोसिएट करेंगे उसके हिसाब से वो बच्चे भी आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे आज प्री प्राइमरी और प्राइमरी के बच्चों ने हिस्सा लिया है और उनके पेरेंट्स ने। हमारा हेरिटेज परिवार शुरू से ही सभी त्योहारों को बहुत अच्छे से मना रहा है, जैसे कि हर साल पिछले साल भी दुर्गा पूजा के समय यहाँ पे गरबा का आयोजन किया गया था और बहुत ही अच्छे से कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस बार भी उसी प्रकार ये कार्यक्रम को रखा गया और हमारे हिंदू धर्म में माँ दुर्गा पूजा का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पूरे भारतवर्ष में इस त्यौहार को मनाया जाता है। माँ दुर्गा से क्या कामना करते हैं? माँ दुर्गा से हम यही कामना करते हैं कि हमारा भारतवर्ष खुशहाल रहे और हमारा हेरिटेज परिवार, हमारे बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ी जिसको हम शिक्षा दे रहे हैं वो आगे चलते भविष्य में अच्छा अपना मुकाम हासिल कर सकें। बच्चों में स्कूल की शिक्षा के साथ उनको संस्कार का ज्ञान भी देना बहुत जरूरी है, जिसके तहत हमारा हेरिटेज परिवार हर साल इस तरह का आयोजन करता है और आगे भी बहुत अच्छे से धूमधाम से करते हैं। नन्हे छात्रों और उनकी माताओं ने गरबे की आकर्षक और पारंपरिक पोशाक में गरबे की प्रस्तुति दी। विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम से सभी बच्चे काफी उत्साहित भी नजर आए। शाला के संयुक्त सचिव उमाकांत मिश्रा और पुष्पा मिश्रा साथ ही प्राचार्य मनप्रीत फुलमाली के द्वारा उत्कृष्ट गरबा प्रस्तुति व वेशभूषा पर विद्यालय परिवार की ओर से छात्रों, पालकों व शिक्षकों को पुरस्कृत भी किया। एकेडमिक कोऑर्डिनेटर श्रीमती हरविंदर कौर एस राजी और समस्त शिक्षकों के सहयोग से भव्य कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। एसीएन न्यूज़ के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।